हाय फ्रेंड्स, आज हमारा कुछ स्टॉक आया है स्मोकी में। मैंने कहा था स्मोकी का स्टॉक आने वाला है, हम ला नहीं पा रहे थे बारिश की वजह से। आज बारिश थोड़ा कम हुआ है तो आ चुके हैं। एक नए चीज़ भी मैंने बनाए हैं, ये चीज़ ये मैं लास्ट में दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर कैसा है, सब कुछ दिखाऊंगी। तो चलिए फास्ट स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास स्मोकी में, क्रंची में, ये कोलकाता क्ले पॉट है, ये एकदम स्मोकी है, क्रंची है, देख लीजिए। ये मेल्ट नहीं होगा, अंदर से पका हुआ स्टॉक है लेकिन स्मोकी है। नॉन स्मोकी में भी हमारे पास कलकत्ता क्ले पॉट है, ये है ये, ठीक है। तो दो टाइप का स्टॉक है, सिर्फ मेल्टेड स्टॉक नहीं है, जो मेल्ट हो जाएगा ऐसा स्टॉक नहीं है। यहाँ पे जो स्टॉक है पूरा ही स्मोकी क्रंची वाला है। फ्रेंड्स, अभी हमें स्टॉक दिखाने में भी डर लगता है क्योंकि इसको लेके भी फिर से कोई ना कोई किसी ना किसी के वीडियो बनाना शुरू कर देगा। हम किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहते, किसी को कोई भी इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहते, मुझे मेरी काम पे मन लगाना है, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे है रोटी, ये देखिए, ये है स्मोकी रोटी लेकिन अंदर से पका हुआ, स्मोकी रोटी अंदर से पका हुआ है ये। और यहाँ पे है नॉन स्मोकी रोटी, ये तो पका हुआ है ही, नॉन स्मोकी रोटी है। ये है नॉन स्मोकी क्रंची रोटी और ये है स्मोकी क्रंची, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्मोकी रोटी है लेकिन छोटे साइज में, ये देखिए। मैं अब आपको रोटी का प्राइस बता दूंगी, ये देखिए। रोटी बहुत ही अर्थी स्टॉक है, ये 2 kg आपको विदाउट बबल्स, देख लीजिए, पहले स्टॉक देख लीजिए, आज ही आया है। मैं ऑफ़र देने के मन नहीं करता है, इसके लिए बोलते शुरू कर देंगे कि ऑफ़र मिल रहा है, ऑफ़र दे रहा है, ऑफ़र में सेल कर रहा है। बिना ऑफ़र की आप लोग ले लीजिए। और यहाँ पे है स्मोकी सॉसर, ये भी मेल्ट नहीं होगा, और इसके नीचे है नॉन स्मोकी सॉसर, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, ये है रोटी छोटे बड़े आप जो भी ले, 2 kg मिक्स्ड में लेंगे। अगर 2 kg छोटे रोटी भी लेते हैं तो आपको 340 रुपीज़ में मिलेगा विदाउट बबल, स्मोकी नॉन स्मोकी जैसा भी चाहे। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ स्लेट पेंसिल से बना हुआ है। स्लेट पेंसिल से हम लोग इतने दिन तक सॉसर्स बनाते थे, अभी हमने स्लेट पेंसिल से, इसके अंदर स्लेट पेंसिल नहीं है, इस मिट्टी में स्लेट पेंसिल मिक्स्ड है, ठीक है। मतलब इसके अंदर स्लेट पेंसिल का स्टाफ भरा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सॉसर जैसे बनाते हैं वैसे ही स्टॉक है, ये स्लेट पेंसिल्स का कुकीज़ है। ये स्मोकी नॉन स्मोकी में है लेकिन ज़्यादातर स्मोकी ही है, लेकिन ये पका हुआ है, कच्चे मिट्टी का नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोलकाता क्ले पॉट नॉन स्मोकी में ऐसा है, स्मोकी में ऐसा है, दोनों ही मेल्ट नहीं होगा। मैंने रोटी का प्राइस बता दिया है, रोटी 2 kg 340, सॉसर्स आप ले सकते हैं 2 kg 340, अगर आप चाहे 1 kg सॉसर्स 1 kg रोटी भी ले सकते हैं, दोनों मिला के भी ले सकते हैं। सॉसर्स सॉफ्ट में है, अर्थी में है। कोलकाता क्ले पॉट 2 kg विदाउट बबल्स 320 रुपीज़, ये तो आपको पता ही है, मैंने प्राइस बता दिया है। और स्मोकी क्रंची में आपको ये रस्सी भी मिलेगा, ये भी मेल्ट नहीं होगा लेकिन सॉफ्ट एंड अर्थी है। मतलब आप 2 kg में, स्मोकी में, क्रंची में रोटी, रस्सी और सॉसर मिला के ले सकते हैं। चाहे तो रस्सी ना लेना चाहे तो भी हो सकता है, तो ये आप मिला के लेना चाहते हैं। ये 2 kg 320, रोटी 2 kg 340, ये जो सॉसर्स है ये भी 2 kg 340। आप चाहे तो स्मोकी क्रंची में आप 2 kg में रस्सी, रोटी और सॉसर मिला के ले सकते हैं, रोल भी कुछ है। सॉसर 2 kg 320, इसमें अगर आप चाहे स्लेट सॉसर और नाकमट सॉसर भी मिक्स कर सकते हैं 2 kg 340 रुपीज़ में। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे तो स्लेट आइटम लेके बैठी हूँ, मैंने ऑलरेडी इसका बहुत सारा वीडियो डाला है और आज भी आपको शायद इन डिजर्मर चैनल पे इसका वीडियो मिल गया है। तो मैं अभी सिर्फ स्लेट आइटम नहीं दिखाऊंगी,
उसके साथ मैं आपको थोड़ा सा टाइनी टाइनीस्ट का स्टॉक भी, मतलब उसका क्या शेप होता है, कितना साइज होता है, मैं दिखाऊंगी। ये है हमारे टाइनी का स्टॉक। टाइनी बहुत ही छोटे होते हैं, टाइनीस्ट उससे भी छोटा होता है। ये देखिए, ये है टाइनी और ये है टाइनीस्ट। ये दोनों ही बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि ये आप खुद ही सोचिए, ये जो छोटे छोटे पॉट है जिसमें आपका एक, ये देखिए इसका साइज मेरे एक उंगली के एक ऐसा भी नहीं होगा, इतना छोटा होता है। तो ये पॉट को बनाना, उसके बाद इसको धूप में रख के सुखा के, उसके बाद इसको भट्टी में डालना, ये मेहनत का काम होता है। बहुत ही बारीकी से इसको किया जाता है। इसमें ये टाइनी में भी आपको लिटिल स्मोकी हाफ बेक में मिलेगा, नॉन स्मोकी है लेकिन बहुत कम, और नॉन स्मोकी ऐसा ही होगा। देख लीजिए, ये 360 रुपीज़ है 1 kg, छोटे वाले, एकदम छोटे वाले। और इसके साथ आप चाहे तो इस तरह के गुल्लक ले सकते हैं, गुल्लक भी थोड़ा स्मोकी में होगा। और ये टाइनीएस्ट जो है वो हमारे पास कच्चे मिट्टी जैसा भी है, स्मोकी में भी है। कच्चे मिट्टी पूरा मेल्ट हो जाएगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। और एक चीज़ अवेलेबल है जिसका मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती, ये है मुल्तानी, रॉ मुल्तानी से बना हुआ क्ले पॉट। आप इसका कलर थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि रॉ मुल्तानी को ज़्यादा पानी में नहीं रख पाएंगे। ये देखिए, कलर से ही आपको पता चल रहा है ये पूरा रॉ मुल्तानी है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। मतलब नॉर्मली भट्टी में डालने से पहले जो मिट्टी हम बनाते हैं उसमें थोड़ा सा हमारा मिट्टी मिक्स होता है, क्योंकि नहीं तो बर्तन बन नहीं सकता। लेकिन इसको बहुत ही मेहनत से, और इसको बनावट भी बहुत सुंदर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये रॉ मुल्तानी है। रॉ मुल्तानी ऐसा ही होता है, जिसमें थोड़ा सा मिट्टी मिक्स होता है वो स्मूथ प्लेन बनता है। तो ये है रॉ मुल्तानी का क्ले पॉट। ये हमारे पास 1 से 1.5 kg तक है, ये आपको 1 kg 300 में मिलेगा। ये रॉ मुल्तानी जो मेल्ट हो जाएगा सॉफ्ट में, जिनको चाहिए 1 kg 300 में मिलेगा। ये 1 kg आपको 280 में मिलेगा, जिसके साथ आप चाहे तो ये गुलक भी ले सकते हैं। और टाइनीएस्ट जो है ये आपको 360 रुपीज में मिलेगा। अच्छा, मैं इसका टेक्सचर थोड़ा आपको चेक करवा देती हूँ। ये है टाइनी एस्ट और ये है टाइनी, मैं दोनों को पानी में डाल रही हूँ। कच्चे को नहीं डालेंगे, क्योंकि कच्चा बिगल जाएगा। ये देखिए, मैं इसको बहुत अच्छे से रगड़ के इसको साफ करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है टाइनी एस्ट और ये है टाइनी। टाइनी एस्ट का स्टॉक ऐसा ही होगा, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल स्मोकी, लेकिन ये मेल्ट नहीं होगा। पानी देखिए, मेल्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको डालूंगी, ये वाला जो स्मोकी में है, ये शायद मेल्ट हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं, ये भी थोड़ा मेल्ट नहीं होने वाला स्टॉक है। मेल्ट होने वाला स्टॉक ये है, ये एकदम मेल्ट हो जाएगा। देखिए, इतने छोटे स्टॉक कैसे बनाते हैं। ये कच्चे मिट्टी का है और इसका साइज़ देखिए मेरे हाथ में। ये हमारे पास अवेलेबल है, ये 360 रुपीज़ है, लेकिन ये कच्चे वाले ना थोड़ा स्मोकी में होगा। और ये है टाइनीएस्ट, देखिए टाइनीएस्ट और टाइनी, ये देखिए दोनों, इसका स्टॉक अभी ऐसा ही है। ये बहुत कॉस्टली पड़ता है सभी सेलरों के पास, मेरे पास ऐसा नहीं है, सभी के पास ही ये थोड़ा महंगा ही होता है, इसलिए हम इसका ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते। जिनको चाहिए उनके लिए दिखा देते हैं, अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये है मुल्तानी, रॉ मुल्तानी का, ये 300 रुपीस में 1 kg है, एकदम रॉ मुल्तानी है। देख लीजिए, कच्चे स्टॉक है ये, इसको हमने भट्टी में डाला ही नहीं। ये देखिए कितना इसका स्टॉक। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज तो आपको बहुत सारा स्टॉक देखने को मिलेगा। ये देखो, ये स्टॉक गुलेगुलो तुम्हार धीरे धीरे मेल्ट हो आस्ते आस्ते, किंतु तुम्हार ये देखो এরম টাইপের ছোটো ছোটো পেবেল পটও আছে, যেগুলো একটু স্মোকি হবে। আর এইগুলো আই পট আছে, আর এই টাইপের কিছু মালসা হবে, যেগুলো হালকা হালকা মেল্ট হয়ে যাবে। এইগুলো মেল্ট হওয়ার মতন স্টক, জলে রেখে দিলে মেল্ট হয়ে যাবে।